नमस्कार दोस्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सपने में टूटा हुआ कांच देखने का क्या मतलब होता है। इसके साथ ही यदि आप सपने में कांच को टूटते हुए देखते हैं या खुद को कांच तोड़ते हुए देखते हैं तो इन सपनों का क्या मीनिंग होता है, यह सपना हमें क्या संकेत देता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सपने में कांच देखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सपने होते हैं। सपने में कांच को देखना हमारे भावना, प्रेम, रिश्ते, धोखा, मजबूती, निराशा इत्यादि से संबंधित होता है। कांच का सपना अलग अलग रूप में अलग अलग संकेत देता है। सपने में अगर आप टूटा हुआ कांच देखते हैं या फिर टूटा हुआ मिरर देखते हैं तो यह सपना नकारात्मक सपना होता है। यह सपना आपके संबंधों के नकारात्मक भाव को दिखाता है। यह सपना रिश्ते खराब होने का संकेत देता है। रिश्ते में करवाहट उत्पन्न होने का सूचक होता है। अगर कोई व्यक्ति सपने में बार बार टूटा हुआ कांच देखता है तो यह सपना मानसिक परेशानी का भी सूचना देता है। इसके साथ ही धोखा और निराशा का भी संकेत होता है। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो अभी शुरू ना करें। आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, आपको उस कार्य में हानि भी हो सकता है। इस तरह का सपना असफलता, टूटे रिश्ते और ज़िंदगी में आने वाले परेशानी का संकेत देता है। सपने में अगर शीशा आपके हाथ से छूटकर टूट जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके हाथ आने वाली कोई सकारात्मक चीज़, कोई अवसर आपके हाथ से निकलने वाली है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई निर्णय आने वाला है तो उसे सोच समझकर ही लें। सपने में अगर आप शीशा में अपना चेहरा देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके आसपास दोहरे मानसिकता वाले लोग आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। इन लोगों से आपको बचकर रहना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी।